काजल, तुम कहाँ गई हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ घर द्वार छोड़ कर मैं आई हूँ। तुम कहाँ गई हो? मैं तेरे लिए ही सिर्फ आई हूँ काजल। कहाँ से पैसा देंगे? जमीन बेच के लाए। चालू नहीं होने की वजह से लोग आ नहीं रहे यहाँ पे। दोपहर लोग रो रहा है। नीतीश कुमार का गिरी जिला था, उस दिन राजगीर में फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, और वहाँ पे नीतीश कुमार का 3 बार वहाँ पे विजिट हुआ। क्या लेन देन का मामला अटक गया, क्या मोटी रकम का मामला वहाँ पर आ गया। मेला को किसी तरह इस मेला को बंद कराने की साजिश की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में अफरा तफरी का माहौल है। जी हाँ, दुकानदारों ने सरकार के विरोध में हड़ताल कर दिया है, मेला को बंद कर दिया है, और जितने भी पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं वो लोग भौचक हैं, हलकान है कि अचानक ये क्या कुछ हो गया है। मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा कि हुआ क्या है, मेला बंद क्यों हो गया है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला ख्याति प्राप्त है, और इस मेले को क्या कुछ हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला बंद हो गया है क्योंकि दुकानदारों ने सरकार के विरोध में हड़ताल कर दिया है। दरअसल मामला थिएटर और सर्कस को लेकर के है। थिएटर और सर्कस को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, सरकार के द्वारा लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, और विरोध यहीं से शुरू हुआ है। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मेले के साथ ऐसा छेड़छाड़ क्यों किया गया कि आज 1 हफ्ते के बाद ही ये मेला बंद पड़ा हुआ है। सोनपुर मेला थिएटर में टिका हुआ है। अच्छा, समझिए, थिएटर चलेगा सारा दुकानदार को। आखिर में ये थिएटर बंद क्यों हुआ? अब सरकार बंद किया है, लाइसेंस नहीं मिला है, ये लोग नहीं चला रहे हैं। थिएटर नहीं लगेगा तो कोई आदमी नहीं आएगा मेला में, कोई आदमी नहीं आएगा। क्यों? खरीदा 10 रोज का मेला है, अगर कोई भी थिएटर नहीं लगेगा तो दुकानदार है, हम दुकानदार है, साफ दुकानदारी नहीं होता है। कहाँ से पैसा देंगे? जमीन बेच के लाएंगे। हम मधेपुरा जिला का मेरा घर हुआ, मधेपुरा से, मेरा मधेपुरा सहरसा, मधेपुरा से हम आए हैं। थिएटर नहीं चलेगा तो दुकानदारी हम लोग को नहीं होगा। हम इसीलिए उम्मीद लेके आए हैं कि थिएटर है। पहले कहते थे प्रशासन लोग कि हम थिएटर नहीं चलेंगे, चलने के लिए मेला मालिक ने डक लेता कि इतना बड़ा लगा लिया। एक थिएटर लगाने में 80 लाख 90 लाख रुपया खर्चा है। एक थिएटर लगाने में 80 लाख 90 लाख खर्चा है। मतलब 50 लाख लगा हुआ है मुँह दिखाने के लिए। नीतीश कुमार को सरकार का मुँह दिखाने के लिए 50 लाख लगा है। उनका जो जिला है नालंदा है, वहाँ पर थिएटर लगता है। एक पहले ही दिन से वहाँ पर परमिशन क्यों मिलता है और यहाँ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है यहाँ पर। यहाँ सब नीतीश कुमार चाह लगे मेला वहाँ चला जाए। ऊपर से प्रशासन जो अलग ही रोकथाम लगाए हुए है, गाड़ी आने से नहीं जाने देंगे, हम लोग को जाने में मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 7-8 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। थिएटर और सर्कस वालों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनके लिए लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। जिस थिएटर और सर्कस को लेकर के ये मेला प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर भीड़ जुटती है, बाजार सस्ता है, लोग खरीदारी करते हैं, दुकानदारों के दुकान पर भी मेले में असर पड़ रहा है थिएटर और सर्कस के नहीं होने से, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस ही नहीं दिया है। और थिएटर और सर्कस वाले सारा तैयारी किए हुए थे, सारी तैयारियों के बाद उनको लाइसेंस नहीं दिया गया तो थिएटर ऑन नहीं हुआ, सर्कस ऑन नहीं हुआ, और इसका असर सीधे सीधे मेले के बाजार में पड़ने लगा, दुकानदारों की दुकानदारी पर पड़ने लगा, और दुकानदार भी समर्थन में उतर गए हैं, सरकार के विरोध में उतर गए हैं और हड़ताल कर दिए हैं, और पर्यटक हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं और हम लोग का दुकान इसी थिएटर की वजह से बहुत चलता है, लेकिन थिएटर चालू नहीं होने की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत परेशानी हो रही है। सेल हम लोग का बहुत गिरा हुआ है क्योंकि हर साल जमीन का जो रेट है बहुत बढ़ जाता है, और हम लोग बहुत महंगा में जमीन लेते हैं, साल भर अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे व्यापार करेंगे, साल भर बिजनेस करेंगे, लेकिन उस कारण से लोग आ नहीं पा रहे हैं, पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, इस कारण से मेले में भीड़ रौनक चली गई है। सर, इस बार आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है सर, थिएटर की वजह से मेला जमता था, थिएटर बंद है, मेला खाली लग रहा है, सारा व्यापारी लोग रो रहा है। यही अगर नीतीश कुमार का गिरी जिला था, उस दिन राजगीर में फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, और वहाँ पे नीतीश कुमार का 3 बार वहाँ पे विजिट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था भी हमेशा शौचालय व्यवहार किया जाता है। क्या कारण क्या लग रहा है? पता नहीं, सोनपुर पटना से नजदीक है, पता नहीं क्या उनका व्यवहार है, क्या किस तरह से वो करते हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। हमेशा से ऐसा दुर्व्यवहार रहता है, मेला को हमेशा वो लोग उतना अपेक्षा जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते। पहले भी लेट होता था क्या? नहीं, लेट हमेशा से होता आ रहा है, थिएटर में हमेशा होता है, लेकिन सिर्फ सोनपुर में ही होता है, बाकी पूरे आप बिहार में कहीं मेला देख ले तो उतना परेशानी नहीं होता जितना सोनपुर मेला में होता है सर। लेकिन अब तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अश्लीलता वगैरह? सर सब कुछ बंद हो गया है, अब सब सिस्टम से होता है, सरकार से ऑर्डर हर हमेशा ऑर्डर लेना पड़ता था, सब कुछ सिस्टम से ही होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब लड़के भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सरकार का इस पर नजरअंदाज किया था, इस मेला को किसी तरह इस मेला को बंद कराने की साजिश की जा रही है। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या यहाँ पर लेन देन का मामला है? सरकार को मोटी रकम चाहिए थी, संबंधित विभाग को मोटी रकम चाहिए थी, क्यों नहीं दिया गया सर्कस और थिएटर को लाइसेंस? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वहां पर बाजार में रौनक होती थी, लोग सर्कस और थिएटर को देखने के लिए ही सोनपुर मेला आते थे। आप पता कर लीजिएगा, दूर दराज के लोग विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में क्यों जाते हैं? पशुओं की खरीदारी के लिए, क्योंकि वहां पर कुत्तों का बाजार लगता है, घोड़े का बाजार लगता है, तमाम हाथी और गाय भैंसों का बाजार लगता है, तो थिएटर भी सस्ता है, सर्कस भी सस्ता है। लेकिन इस बार सरकार ने कड़े कदम उठाए और थिएटर और सर्कस पर रोक लगा दी, लाइसेंस नहीं दिया, बाजार का रौनक खत्म हुआ, दुकानदारों की दुकान खत्म हो गई, दुकानदारी खत्म हो गई और तमाम लोग एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध में उतर गए और हड़ताल कर दिया। अब स्थिति यह है कि लग रहा है कि एक हफ्ते के अंतराल के बाद ही सोनपुर मेला समाप्त हो गया है। एक हफ्ते पहले सूबे के डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री और नेता वहां पर पहुंच करके उद्घाटन किए थे, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उद्घाटन क्यों किया जब इस तरीके का कृत्य करना था? आखिर अंदर खाने में क्या चल रहा था? क्यों ऐसा एक्शन लिया गया? क्यों इस तरीके से लाइसेंस रोका गया? क्योंकि सोनपुर मेले का इंतजार लोगों को पूरे साल भर रहता है कि सोनपुर मेला लगेगा और हम वहां जाएंगे, और इस आकर्षण के केंद्र को ध्वस्त क्यों किया गया है? क्या पैसे का लेन देन में कोई लोचा हुआ? आए हुए हम लोग बहुत दूर से देखने के लिए, आप पता नहीं क्या है रीजन, आप सरकार का है या यहाँ के मेला में कमेटी का है, इसके वजह से क्या है पता नहीं, बंद है। अब इसको चालू हो जाए तो थोड़ा सा मेला में रौनक बढ़ेगा। बहुत दूर से आए हैं थिएटर देखने के लिए, और यहाँ पे चल ही नहीं रहा। थिएटर देखने के लिए आए थे कि काजल को देखने के लिए? वही काजल जी को देखने के लिए आए थे, बहुत वायरल हुए वीडियो में बहुत। आप लोग काजल को देखने के लिए आए थे? बेगूसराय से आए देखने के लिए। आओ इधर आओ, बेगूसराय से लो? हाँ जी, हाँ हम थे, ये थे और ये थे, तीनों एक एक बोले चलो देखने के लिए, बोले चलो सब देखते हैं काजल के। हाँ जी, यहाँ पे आए तो कुछ चल ही नहीं रहा है, बोला 10 दिन से इसी पर आया, अब जा रहे हैं घूर के फिर से। काजल के लिए कोई मैसेज? मैसेज क्या, चालू ही नहीं कर रहा है सीधा सीधी। काजल तुम कहाँ गई? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ घर द्वार छोड़ के मैं आई हूँ, तुम कहाँ गई हो? मैं तेरे लिए ही सिर्फ आई हूँ काजल, तुम जल्दी से आ जाओ, थिएटर चालू करा दो, पूरा मेला में रौनक आ जाएगी काजल। डिप्टी सीएम ने सोनपुर मेला का उद्घाटन किया, तमाम तरह से इसको सजाया गया, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए, बाजार सज गया, थिएटर को रोक दिया गया। क्यों रोका गया? थिएटर ही तो इसका आकर्षण का केंद्र होता है और राजस्व का केंद्र होता है, राजस्व इसी से आता है, क्योंकि इसी के आकर्षण में बंद करके वहां पर भीड़ जुटती है, पर्यटक आते हैं, फिर इसको क्यों रोका गया? क्या लेन देन का मामला अटक गया? क्या मोटी रकम का मामला वहां पर आ गया? क्या हुआ? क्यों संबंधित विभाग ने इतना कड़ा कदम उठाया? क्यों आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि आज एक हफ्ते के बाद ही सोनपुर मेला ध्वस्त होने के कगार पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल लगा हुआ है? तमाम सवाल हैं, आप बने रहिए इन तमाम सवालों के साथ देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज आपके समक्ष अपडेट्स लेकर के आता रहेगा, तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।